हैं जी एफआईआर 1 का लेक्चर 30 स्टार्ट करते हैं। बड़ा काम कर लिया आप लोग। अच्छा अच्छा जी दोबारा किया सवाल इमाम वाला जाके, क्योंकि होम क्लास वर्क तो सबसे अहम होता है ना। ठीक है, और हमने क्या किया था इसके अलावा? नहीं वो तो किया था, उससे पहले क्या किया था वो भी कर लिया था। चले अच्छा, अल्फा ट्रेडिंग वाला सवाल तो डिस्कस करना ही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, मैं कहता हूँ पहले उसकी बात कर ले। ठीक है, तो पास पेपर 2 आपके सामने है, ये सब बच्चे ओपन कर लें, बुक्स का पेज नंबर भी बता दें, मेरे पास नई बुक नहीं है। यही है इमरान वाला सवाल ही है। ओके चले, ये सवाल मैं आपको एडिशनल दे रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल मैं आपको करवाने लगा हूँ। ठीक है, ये मैं ये हैंड आउट के अंदर आएगा। ठीक है, ओके है ये देख लो, मुझे बुक दिखा दें। बड़ी मेहरबानी जनाब। पेज नंबर 271 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इमरान लिमिटेड, सब ओपन कर लें। देखो भाई, अच्छा ये 2 क्यों लिखा हुआ, छोड़ें इस बात को। अच्छा जी क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2007 इमरान लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग। द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 15 महीने एंड कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 80 मिलियन। ठीक है, 15 महीने तो मतलब हमारे साल में कंप्लीट नहीं होने वाला, मेरे ख्याल में हमारा साल 31 दिसंबर है। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जरा। मैं ही पढ़ देता हूँ जी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अगेन बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, रहने दें बस अब। कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज एज ऑन 31 दिसंबर 2007। तो ये एंड हमारा है 31 दिसंबर 2007। ठीक है, अब अगर 1 जनवरी 2007 पे यार हो जाया करो जी के साथ, हो जाया करो बेटा, खैर है कुछ नहीं होता यार, ये एक जैसी सीटें हैं सारी यार, हद होगी जी। ऑन 1 जनवरी 2007 एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो 31 दिसंबर 2007 तक वो पूरा तो नहीं होने वाला, 15 महीनों का है ना। चलो बाहर कोई बात नहीं, वर्क कंप्लीशन ना सही, ईयर एंड पहले वो लिख लेंगे, हमें वर्क कंप्लीशन से फिर क्या लेना देना। ठीक है, तो सीजेशन लिखा ये मैंने, सेसनी टैक्स, सेस रेट टैक्स बोलो, एनी सेस रेट टैक्स नहीं, ईयर एंड भी हो सकता था और जो पहले हो जाए, तो वर्क कंप्लीट नहीं होना मुझे लग रहा है, जाहिर सी बात है 15 महीनों का प्रोजेक्ट हो। 1 जनवरी सारे ऐसी चल रहे हैं, मैं वो ऐसी चल रहे हैं। अच्छा 1 जनवरी 2017 को शुरू हो और 15 महीने का हो, तो 31 दिसंबर 2017 तक तो पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। हाय कहते हैं, द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, लेकिन नीचे सवाल में नजर आ रहे हैं 4 फेजेस, ये क्या चक्कर है? अच्छा 2018 16 17 टोटल कितना बनता है? कैलकुलेटर काट लो, सुतियां रुआ कतर। उबर कह रहा है 80 मिलियन का प्रोजेक्ट है, कह रहा है 5 फेजेस हैं, नीचे 4 पेमेंट्स आ रही हैं, और ओ भाई 15 महीने का प्रोजेक्ट है, पूरा नहीं हुआ है, एक बिल बाद में आ जाएगा, हद होगी। कोई कह रहा है रिटेंशन मनी, कोई कह रहा है पता नहीं एडवांस है, हद होगी, सादा बात तो सादा रखा करो। ओके अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। द वर्क हैज बीन डिवाइडेड टू 5 फेजेस एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर शैल बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच फेज। इस सवाल के अंदर वो कोई नहीं है एडवांस और रिटेंशन मनी, वो समझा दिया आपको अल्फा वाले सवाल में, उसको देख भी लेते हैं। ठीक है, इन द ईयर 2007 द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। नंबर 1, राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन वर इश्यूड। ये इसलिए सवाल करवा रहा हूं। हाँ भाई, राइट शेयर्स कहते हैं एग्जिस्टिंग लॉ तो पढ़ लिया होगा, कंपनी लॉ, चले नहीं पढ़ा तो मैं समझा रहा हूँ, सादा सी बात है। कंपनीज जब शेयर्स इशू करती हैं, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने से पहले अपने ओनर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको वो कहते हैं कि जरा पहले आपका हक है, पहले आप ले लें शेयर्स, उसको कहते हैं राइट शेयर्स। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट का एलिमेंट भी हुआ ही करता है, जाहिर सी बात है। जनरल पब्लिक को अगर आपने एक शेयर 50 रुपए में देना है मिसाल के तौर पर, तो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हो सकता है वो 45 में दे दें, फेस वैल्यू 10 ही होती है। एक बात करूं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट का एलिमेंट उसके अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है ना, बहरहाल छोड़े ये सारी बातें, करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स के अंदर, हम इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल भी पढ़ेंगे, उसके बाद माशाल्लाह से ईपीएस का टॉपिक भी आ रहा है, आ गया है नया, तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो भाई कैमरे के सामने अगर किसी ने बैठना हो कल से, तो 50 के बाद ना आए, बाहर बैठ जाए। ठीक है, मैंने पहले भी अर्ज किया। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिलहाल सादा बात, राइट शेयर्स मींस, अंडरलाइन करके लिख सकते हैं आप, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए हैं। ठीक है, कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू किए हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करेंगे तो वहां से क्या आएगा?
पैसा कंपनी कंपनी ने शेयर इशू किए, कह रहे डिविडेंड आया, कंपनी डिविडेंड देगी ओनर्स को जी। कंपनी ने शेयर इशू किए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो वहां से कैश आएगा। क्या है ये पैसे की जरूरत? कंपनी ने कहा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, मालको ओनर शेयर होल्डर तुम भी को पैसा ले आओ, कि सारा ही हम लोगों से उधार मांगना है, ठीक है। तो राइट शेयर्स क्या हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी जो नए शेयर्स इशू करेगी और उससे जो फाइनेंस आएगी वो बिजनेस में यूज करना है ना पैसा, ठीक है। वो बिल्डिंग बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग नहीं बिजनेस में यूज होना है आगे जाकर, ठीक है। अच्छा पढ़ते हैं, फॉलोइंग सोर्सेज से फाइनेंस किया गया इस प्रोजेक्ट को। नंबर वन, राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन वर इशूड ऑन यकम जनवरी 7। द कंपनी यूजली पेज अ डिविडेंड ऑफ 10% ईच ईयर, ठीक है जी। आगे कहते हैं बैंक लोन ऑफ 32 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 13 वॉज रेज्ड ऑन यकम मार्च 2007। स्पेसिफिक होगा जनरल होगा, लिखा तो नहीं हुआ है? नहीं ये जरूरी नहीं है, बस जितनी बात कही हुई है ना वो सही है, कि जब सवाल खामोश है तो फिर स्पेसिफिक हो जाए। सवाल खामोश है, कोई ये तो नहीं कह रहा रनिंग फाइनेंस है। तीसरा, ऑन 1st August 7 10 मिलियन वर बोरोड फ्रॉम अ बैंक, इंटरेस्ट इज पेबल देयर ऑन एट 11। ये जनरल होगा फिर, तो ये भी एक बात रहती थी हमारी होने वाली, एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन्स भी आ सकते हैं, नो इशू। हम क्या करेंगे, ये रूल किसके लिए है? ये रूल है फॉर रूल फॉर स्पेसिफिक लोन, नहीं लोन्स। लो नई बात आ गई, ये एस भी डाल दें। क्या मतलब? मतलब यहां पर ही मैं 13% लोन को भी ले लूंगा, 13% नाम है ना उसका, और दूसरा कौन सा है, यानी कि जो काम एक दफा करते थे स्पेसिफिक लोन के लिए वो काम दो दफा कर लेंगे। स्पेसिफिक लोन का कॉलम मौजूद होगा रिसीट पेमेंट में, उसमें एक की बजाय दो आ जाएंगे, वो इनफ्लो शो कर देंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए दोनों पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है? चलो अच्छा जी चले बहरहाल। अच्छा सवाल है, जनरल लोन का कहीं जिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल में था नहीं। असल में ये सवाल इसलिए चुना कि जनरल लोन भी हो जिस सवाल में, वो तो ऐसा तो सवाल तो टेस्ट में आता है ना, जिसमें सारा कुछ ही हो, राइट शेयर्स भी हो, जनरल लोन भी हो, स्पेसिफिक लोन भी हो, और सस्पेंशन भी हो, और जो कुछ भी हो सकता है वो हो, ऐसे सवाल तो टेस्ट में आते हैं ना। अब यहाँ पे तो मैंने जो जनरल लोन की आपको ट्रीटमेंट आती है, मुझे जो नई चीज सिखाई थी वो क्या थी, राइट इशू, और नई चीज सिखाई थी वो क्या थी, दो स्पेसिफिक लोन, एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच जितने मर्जी हो जाए हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जनरल लोन यहाँ पे नहीं है। ओके, डिटेल ऑफ बिल्स सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोस। यकम मार्च को बिल आया, वो डेट ऑफ पेमेंट भी वही है, फिर यकम अप्रैल, फिर यकम अक्टूबर, और ये क्या कह रहा है जी, पेमेंट नॉट येट मेड। पेबल तो है लेकिन बिल तो आ गया, और उधर देखो क्या लिखा हुआ, ऑन कंप्लीशन ऑफ 4th phase, मतलब उसने छत डाल के बिल भेज दिया है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इसने आना है, पेबल हो चाहे पेड हो। और भाई समझ आ रहा है, वो पहले दिन से एक बात लेकर चले थे, मैंने कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, मुझे याद पड़ता है पहले लेक्चर में ना लिख के काट दिया था एसेट की कॉस्ट में, मैंने कॉस्ट ऑफ एसेट में लिखा था कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, फिर मैंने कहा नहीं 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 आप आगे जाकर गड़बड़ कर दोगे, मैंने कंस्ट्रक्शन पेमेंट को काट के लिख दिया था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। पेमेंट जरूरी नहीं है, कॉस्ट बन गई, कंप्लीट हो गया, बिल आ गया, अब ये एसेट की कॉस्ट में शामिल, एसेट इतना बन गया, पे करना नहीं बाद में कर देंगे, कोई मसला नहीं। हमने कल इमाम वाले सवाल में भी देखा ही था, ईयर एंड के ऊपर एक बिल पेबल भी था। अच्छा बाहर आई कहता था, अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ लोन वाज इन्वेस्टेड इन द मनी मार्केट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड 2.5 मिलियन। भाई देखो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने की जरूरत नहीं है, इवन मुझे रिसीट पेमेंट बनाने की जरूरत भी नहीं है, ना तो इन्वेस्टमेंट इनकम मुझे निकालनी पड़नी है, ना ही जनरल लोन का जिक्र है। क्यों? जो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालते हैं वो फिगर ही उसने निकाल कर दे दी है, लेकिन मैं चलो स्टार्ट कर दूंगा आपको रिसीट पेमेंट, क्योंकि मुझे राइट शेयर की ट्रीटमेंट भी तो सिखानी है जरा, इसलिए मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई देखो, फिर मैं कहूंगा देखो यार कोई जरूरत है ये काम करने की, तो फिर बाद में मैं काट दूंगा, लेकिन उसमें यह हो जाएगा कि रिसीट पेमेंट में राइट शेयर के साथ ट्रीटमेंट क्या करना है वो हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। सवाल ये छोटा इसलिए लिया ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए, टाइम भी बच जाए और आगे मूव कर सके। ओके आगे कहता है, ऑन 1 जून 2007 बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इशूड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टॉपेज ऑफ वर्क ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज इन कंप्लीशन प्लान रूटीन सस्पेंशन। हर बिल्डिंग में ये बीसीए वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हर बिल्डिंग के अंदर, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ये कोई उन्होंने वायलेशन कर रखी है, कोई कंप्लीशन प्लान के अंदर उनके जो है वो डिस्क्रिपेंसी है, तो वो हुकूमत ने आके रोक दिया, अथॉरिटी ने रोक दिया आगे। द कंपनी फाइल्ड अ पिटीशन इन कोर्ट एंड द मैटर वॉज डिसाइडेड इन कंपनी फेवर ऑन 31 जुलाई। ड्यूरिंग दिस इंटरिम पीरियड कंस्ट्रक्शन वर्क रिमेन्ड सस्पेंडेड। यकम जून 2007 से 31 जुलाई 2007 तक 2 महीने तक काम रुका रहा, और कौन सी स्टॉपेज है? तो नॉन रूटीन है, तो फिर बटे लगाते हुए फासला रखना और मंथ्स, जिंदगी आसान है, बोरिंग कॉल खत्म है मेरी तरफ से, आज तो पक्का ही खत्म है, ये राइट शेयर्स रह गए थे बस, ठीक है। अब तो बस टेस्ट में ही आप देखेंगे सवाल। अच्छा जी सवाल शुरू करें, अब दो लोन्स हैं, चलो एक काम कर लेते हैं, यहां बैठे बैठे मैं ये काम तो कर लूं। जो ये 13% वाला लोन है ये किस दिन आया? लोन रिसीव्ड यकम मार्च 2007 पर। भाई एंड वालों नजर आ रहे हैं, कोने वालों, तीनों चांद तारो, ओके यकम मार्च 2007, ठीक है जी। फिर वर्क स्टार्टेड वो तो हो गया था यकम जनवरी 2007 में, ऐसा भी तो हो सकता है।
देखो ना, इसीलिए तो लेटर रखते थे, मैंने पहले दिनों में ये बात नहीं करवाई थी, इसलिए तो लेटर डेट लेते हैं। देखो आप कहो जी यकम जनवरी से काम शुरू हो गया, इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ यार लोन आया ही नहीं है, इंटरेस्ट दिया ही नहीं है, तो कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो? तो ऑटोमेटिकली ये लेटर ऑफ वाला ना आपके हर पॉसिबिलिटी को सही कर देता है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पेमेंट किस दिन हो रही है जी? यकम मार्च 2000। तो ये यकम मार्च हमारी क्या होगी जी? कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट। और मसला ये है कि ईयर एंड पहले आ गया है, क्योंकि वर्क कंप्लीशन अभी पता नहीं कब होगी। तो 31 दिसंबर 2007 पर कितने मंथ्स बनते हैं? 10 महीने। ये पहले लोन की बोरिंग कॉस्ट जो है ये कैपिटलाइज होगी। डन, समझ आया? एंड वालों सुनाई तो दिया, लिख लो अगर अपने पास मसला हो तो। ठीक है, नेक्स्ट 11% लोन, इसको भी यहीं पे फटका देते हैं। लोन अभी फर्स्ट पेमेंट तो कंस्ट्रक्शन की पेमेंट है ना, वो तो यकम मार्च 2007 ही आएगी, और ईयर एंड भी पहले हो रहा है, ये भी 31 दिसंबर 2007 आएगा। ठीक है, वर्क स्टार्टेड भी यकम जनवरी 2007 ही आएगा, सिर्फ लोन रिसीव की डेट ही बदलनी। हाँ, तो दूसरा लोन यकम अगस्त 2000, अब लेटर कौन सा बन रहा है इसमें? यकम अगस्त। तो यकम अगस्त से 31 दिसंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स? तो दूसरे लोन के 5 मंथ्स बनेंगे जिनका इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज करना। कोई मसला? पहले आसान नंबर लेते हैं जी। ठीक है, शुक्र करो लोन की कोई रीपेमेंट नहीं है, वरना दो लोन है, हर एक की रीपेमेंट होती तो फिर हर एक की दो दो तीन तीन लाइनें आ जाती। ठीक है, लेकिन आप तैयार तो हैं हर तरह के सवाल के लिए, फिलहाल तो एक ही लोन है। पहला लोन जो है वो 32 मिलियन वाला। ठीक है, वो 32 मिलियन वाले लोन का इंटरेस्ट रेट है 13%, और उस पर हमने कैपिटलाइज करना है कितने महीनों का इंटरेस्ट? 10 महीनों का। कितने महीनों का बनते हैं ना, जनवरी फरवरी तो था ही नहीं। तो इधर देखो, मैंने लिखा कितने मिलियन जी? 32 मिलियन लिखे, 1000 लिखने, 32 मिलियन लिखो जी। 32 मिलियन इंटू 13%, ये जनाब आ जाएगा पूरे साल का इंटरेस्ट इंटू 10/12। एहतियात करनी है, सस्पेंशन है, वो भी नॉन रूटीन है। फिर ब्लू मार्कर बार आएगा और वो क्या कहेगा, ये मंथ्स लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओए लो जाओ दिसंबर लिखने दो, 10 हो गए पूरे। ओके लो जी, डन। नेक्स्ट लोन उसकी ए अमाउंट है 10 मिलियन, और उसपे इंटरेस्ट है 11%, और कितने महीने? 5 महीने उसको कैपिटलाइज करना, वो जरा वर्किंग दूर होगी माजरत। ठीक है, तो 10 मिलियन इंटू 11% इंटू 5/12, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी। कौन कौन से मंथ्स हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डन जी। अब सवाल यहां पूरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम की अमाउंट उसने दे दी है, द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ लोन वाज इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू 0.5 मिलियन। कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह उसने नहीं दिया कि हम खुद निकालते, बल्कि उसने इन्वेस्टमेंट इनकम की अमाउंट दे दी है 0.5, जो माइनस होगी इसमें से। ठीक है ना, सही है, लेकिन मैं फिर भी रिसीट पेमेंट बनाऊंगा, उसकी वजह कुछ और है। पहले सवाल पूरा कर ले, कर ले सवाल पूरा। आपको कि नहीं हो सकता है जनरल लोन की तरफ जाए काम, तो चेक कर लेते हैं पेमेंट्स जरा चेक करना। अच्छा चलो बना ही लेते हैं रिसीट पेमेंट, चेक क्या कर लेते हैं, बना ही लेते हैं, नंबरिंग करो, आ जाओ। हाँ जी, यकम जनवरी 2007 को राइट इशू हुआ, पहला काम यही हो रहा है। उसके बाद जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च आ गया, यकम मार्च 2007 को लोन आया, और साथ में यहां पर एक पेमेंट भी हो गई। और कुछ यकम मार्च को कुछ हो तो नहीं रहा? यकम मार्च को और तो कुछ नहीं हो रहा, पक्का? चलो तो ये 2A, ये 2B। ठीक है, फिर पूरा मार्च गुजर गया, पूरा अप्रैल नहीं गुजर सका, यकम अप्रैल को थर्ड पेमेंट आ गई, फिर अप्रैल गुजर गया, फिर मई गुजर गया, फिर जून, जून जुलाई में कुछ हुआ था? अच्छा जून, वो तो बेटा अगस्त में लिया ना, वो अगस्त में लिया ना, वही तो कह रहा हूँ, अगस्त तो आने दे। अभी अप्रैल गुजर गया, फिर मई गुजर गया, फिर जून जुलाई में कुछ हुआ था? सस्पेंशन हुई थी, लेकिन कोई रिसीट पेमेंट तो नहीं हुई, ऐसे जेन में आया कि जून जुलाई में कुछ था। अच्छा जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, और यकम अगस्त आ गया, और ये बेटा वो यकम अगस्त है जिस दिन हमने दूसरा लोन लिया। ठीक है, उसके बाद अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर पे, और बस और तो पेमेंट हुई कोई नहीं।
ठीक है, रिसीट पेमेंट बनाते हैं। आप बताना चाह रहा हूं ना कि क्यों जरूरत नहीं थी, ठीक है, बहरहाल बना लेने में हर्ज भी कोई नहीं है। देखो पहले क्या लिखा करते थे यहां पे, स्पेसिफिक लोन। मैंने कहा था जी प्रेफरेंस ऑर्डर यही है, सबसे पहले यूज करेंगे प्रेफरेंस, सबसे पहले यूज करेंगे स्पेसिफिक लोन, प्रेफरेंस नंबर वन, ठीक है, और फिर जनरल। लेकिन अगर इक्विटी आ जाए तो ये अपना पैसा तो यही है, सबसे ज्यादा अपना पैसा तो यही है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले इक्विटी, यहां पे हम लिखा करेंगे अगर सवाल में आ जाए तो, इक्विटी, फिर वही स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल लोन्स, और फिर बैलेंस। कोई मसला तो नहीं है, बतरतीब ही है, थोड़ी सी बस ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नंबरिंग से, यकम जनवरी सात राइट शेयर इश्यू किए 15 मिलियन के। आप कहोगे जी ये लेटर से ना शुरू कर दें, वैसे टेंशन कोई नहीं है, लेकिन अपने उसूल पे कायम रहते हैं, ठीक है। लेटर डेट क्या है वैसे हमारी, यकम मार्च है ना, तो यकम मार्च लिख लो, यकम मार्च 2007 है। बस यार इसको स्टार्ट करना है ना हमने, रिसीट पेमेंट को, तो दूसरे की लेटर से करें तो पहला किधर जाए फिर। हाँ वो आप मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, पहले के लेटर से शुरू कर लेना, असल में सिर्फ इसकी वजह ये है। हालांकि यहाँ पे इसकी जरूरत भी कोई नहीं है, मैं यकम जनवरी से बना सकता था, लेकिन एक उसूल बताया हुआ है। वजह क्या है कि ये ना हो खुदा ना खास्ता आपका काम शुरू ही ना हो, आप लोन पहले लें और उसकी इन्वेस्टमेंट तो हो ही जानी है, तो उसको एसडी कॉस्ट में माइनस ना कर दें। एक सवाल में समझाया भी था, ठीक है ना, एक सवाल में आप कर भी गए थे, क्लास वाले सवाल में पहले महीने को इधर ले आए थे, तो इसलिए मैंने कहा था उसूल बना लो, लेटर से शुरू करना है। और वो लेटर कौन सा है, अगर दो लोन है तो पहले वाले का, ठीक है। राइट शेयर्स ऑलरेडी इशूड है जी, वो कहता है जी ये भी पैसे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए, ऊपर लिखा हुआ था दिस प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज, राइट शेयर्स इशू किए, ठीक है ना। तो कितना जी, 15 मिलियन, ठीक है। अब इसी दिन 2A और 2B भी हो रहा है, वो 1 था, मैं लेटर पे रहा, ठीक है। फिर 2A बैंक लोन भी आ गया, ठीक है, और 2A 2B पेमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो यकम मार्च 2007 पर 13% जरा फर्क हो जाएगा ना, 13% लोन रिसीव नाम है इसका ना। yes, और क्या करते हैं लोन 1, 2 लोन AB, तो उसने कहा नहीं तो हमने 13% इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से उसका नाम रख लिया, ठीक है। 13% लोन रिसीव हुआ कितने, अब ये इक्विटी में लिख लेना, ये 32 इधर आ गया, ठीक है ना, सही है। अच्छा, अब इसी दिन यकम मार्च 2007 को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट हो गई। इससे आसानी होता है नॉर्मली कि पहले इक्विटी आती है फिर पेमेंट होती है फिर लोन आ रहा होता है, बहरहाल कोई बात नहीं। इधर देखो पेमेंट कितनी हुई, 20,000 की, 20 मिलियन की, ठीक है। अब ये देखा तो 15 पड़ा था तो 20 को रख दिया हमने ब्रैकेट में, 20 मिलियन, ये मिलियन, ठीक है। अब सबसे पहले इक्विटी को इसने यूज किया, इक्विटी हो गई 0, बाकी 5 स्पेसिफिक लोन से निकला, और स्पेसिफिक लोन का बैलेंस अब कितना बच गया, 20। आप करना चाहो तो ये काम कर लो, इधर आप कहते हम तो डिब्बा लगाते थे, डिब्बे में 2 केक आते थे, कर लो नो इशू। बस पहले इक्विटी यूज करना सिखाना था आपको कि देखो इक्विटी पहले यूज हुआ, ठीक है। 27 मैं सारा ही बना देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी, बारह बना लेते हैं। फिर बता दो यकम मार के बाद, यकम अप्रैल पे 18, फर्स्ट अप्रैल 2007 सेकेंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी, 18 है मौजूद, बैलेंस कितना बच गया, 9। बड़ा पसंद है इसको ये लफ्ज। फिर उसके बाद 4 नया लोन आ गया, अब बोलो यकम अगस्त पे 11% है, 11% लोन रिसीव हो गया भाई। देखो भाई देखो ध्यान से, पहली बार हो रहा है, कितने मिलियन का, ये स्पेसिफिक लोन में पॉजिटिव शो हुआ और ये यहां पे बन गया, क्योंकि देखो इधर पहले से कमेंसमेंट हो चुकी है ना, इसलिए हमने पहले वाले की लेटर यूज कर ली। अब तो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर तो जितनी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो उसके अंदर कैपिटलाइज, ठीक है ना। अच्छा ओके जी, 19 हो गया। फिर यकम अगस्त के बाद, यकम अक्टूबर को आखिरी पेमेंट है, बोलो यकम, यही को मिस तो नहीं कर गए, अब बोलो थर्ड कंस्ट्रक्शन कितनी है, 16 की, अभी भी यहां पे 3 मौजूद है, इसीलिए जनरल लोन यूज उसने दिया नहीं, फिर इसलिए जब यूज ही नहीं हुआ तो उसने कोई डाटा इसका, अगर यूज हुआ होता तो वो बस क्या करता, रेट भी सिर्फ दे देता तो हम उसको लगा सकते थे डेट ऑफ पेमेंट से ये रेंट तक कैपिटलाइज कर देते, ठीक है, और सही है ना। तो फुल फ्लैश सवाल में तो यहां पर आगे भी कुछ और हो, मजीद पेमेंट होगी मिसाल के तौर पे, और वो इससे पूरी नहीं होगी और फिर जनरल लोन से काम शुरू हो जाएगा, तो ये फुल फ्लैश सवाल तो ये बनता है। सबसे पहले नंबर इक्विटी यूज हुई, फिर स्पेसिफिक लोन यूज होना शुरू हुआ, जब वो खत्म होगा तो जनरल लोन, यही प्रेफरेंस का ऑर्डर है, ठीक है। सबसे पहले
इक्विटी, फिर स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल लोन। ठीक है जी, ये है जी प्रेफरेंस ऑफ यूज ऑर्डर। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ यूज है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो ये बात समझ आ गई है। आज सवाल में इक्विटी है तो परेशान तो नहीं हो गए। अच्छा, अब अगली बात देखो, ये बैलेंसेज ने इन्वेस्ट होना था, हमने कहना था जी 27 या कम मार्च अवेलेबल है, पूरा मार्च अवेलेबल रहा, कितना रेट रेट नहीं सवाल में गिवन था। फिर ये 9 एकम अप्रैल से लेके एकम अगस्त तक रेट नहीं है, फिर ये 19, फिर ये 3, तो भाई ये सारे ना करने तो थे लेकिन उसने सवाल में इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट नहीं दिया, हमारी सहूलत हो गई। उसने क्या कह दिया, ये जो इन्वेस्टमेंट जितना भी रेट होगा हमें से क्या, ये जो सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट होते रहे ना, ये कितना कमा कर लाए, तो वो फिगर ही हमें डायरेक्ट मिल गई सवाल से। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपके लिए बनाया है। ओके, आप पर्चे में बना भी लेते इसको, आपको लगना था यार ऐसे इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो आ गया ना, जरा आपको वो सिखाना था इक्विटी आए तो। ओके, अब अच्छे मुश्किल सवाल के अंदर ये 0.5 गिवन नहीं होगा बल्कि इन्वेस्टमेंट का रेट होगा, टेस्ट वाले सवाल में हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहां से इन्वेस्टमेंट इनकम तो खुद निकालनी पड़ेगी जैसे आपने सीखा हुआ। सही है, तो नई चीज सीख ली हमने, दो लोन आगे डिफरेंट डिफरेंट। आगे बढ़े स्पेसिफिक लोन, अब उसने खुद बता दिया अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ लोन वाज इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच लोन। अब एक क्वेश्चन आता है ज़हन में, वो क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ क्या करें, इन्वेस्टमेंट इनकम में भी तो सस्पेंशन पीरियड होगा। उसने ऐसा नहीं कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन के अलावा वाले पीरियड का, सिंपल उसने क्या कहा, अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ लोन वाज इन्वेस्टेड इन मनी मार्केट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू 0.5 मिलियन। अब गड़बड़ ये है कि टोटल कितने महीने बनते हैं, मैक्सिमम इस साल में कैपिटलाइजेशन के महीने कितने बनते हैं। अब आप देखो ना, ये अगर हम इन्वेस्ट कर रहे होते, ठीक है, तो देखो ये 27 यकम मार्च को इन्वेस्ट होता, पूरा मार्च इन्वेस्ट रहता, फिर 9 आता यकम अप्रैल को, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने ही जाता, 5 हो जाते, फिर ये 19 आता यकम अगस्त से, अगस्त सितंबर सितंबर 2 महीने 7 हो जाते, फिर ये 3 आता यकम अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10 हो जाते ना। अब ये 10 महीनों के अंदर अगर सस्पेंशन होती तो हम इसमें से भी माइनस करते थे, ये छोटी सी गड़बड़ आ गई हमारे गले में, ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी। ठीक है, ये जो 0.5 है, ये जो 0.5 है, ये कितने महीनों की इन्वेस्टमेंट इनकम है, 10 की, इसमें इन्हीं 10 महीनों में ही तो वो जून जुलाई पड़े हैं, तो वो 2 महीने निकालने हैं, तो हम इसको किस पे ले दें, 8 पे। अब इसकी सस्पेंशन इस तरह से हमें करनी पड़नी थी, सही, तो ये 0.5 की बजाय क्या हो गया 0.4, ये मैंने काट के लिखा, याद रहेगा। ओके, 0.4 क्यों भाई 0.4 हुआ, समझ में आता है, 2 महीने की सस्पेंशन जो आई ये बनाने का फायदा ये भी था, जरा समझाना था। पर्चे में ऐसा नहीं करना, अक्सर ऐसा करता है पीपीई के नोट के अंदर बोरिंग कॉस्ट डालता है और इन्वेस्टमेंट इनकम ऐसे ही देकर ऐसी बात भी कर देता है, सस्पेंशन थी, अब क्या करोगे, बैठे हुए मुंह उठा के सिर्फ इतना सा काम करना है, वो जो इन्वेस्टमेंट इनकम देगा, सस्पेंशन का पीरियड है, आपने देखना है कि कितने अर्से की इन्वेस्टमेंट इनकम है जी। मिसाल के तौर पर 10 महीनों की है, 1 महीना सस्पेंशन है, तो आप कहोगे ये 10 की है हमें 9 की चाहिए, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज की तरह से लग गया ना फॉर्मूला, ये समझ किसी बच्चों को नहीं आया तो आंकड़ा करें, किसी बच्चे को नहीं आया तो जागते रहना, साढ़े तेरह रहना। ये समझ आया कि इन्वेस्टमेंट इनकम निकली 0.5 की 10 महीनों से है। अब ये जो 10 महीने थे हमारे इस साल के अंदर ही थे ना 10 महीने, ठीक है, ठीक है। अब इसने ना इसमें ये 2 महीने जून और जुलाई सस्पेंशन थी, ठीक है। अब जब अगर हम इस तरह से निकाल रहे होते इन्वेस्टमेंट इनकम, तो हम 27 को करते इन्वेस्टमेंट रेट से मल्टीप्लाई और मंथ लिख लेते, ऐसे ही फिर 19, फिर 9, फिर 3, सारे आ जाते और यहां पर हम लिख लेते मंथ, जहां पे जून जुलाई आता उसको काट देते और उन मंथ्स की इन्वेस्टमेंट इनकम को हम ना लेते, ऐसे ही करते ना। लेकिन मसला यह है कि उसने 0.5 तो निकाल के दे दिया, ठीक है, जो 0.5 निकाल के दे दिया है तो ये तो पूरे 10 महीनों की इनकम है, यकम मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक, उसमें ही ये 2 महीने भी आ रहे हैं, तो ये 10 महीनों की जो इनकम थी इसमें से ये 2 महीनों की इनकम हमने निकाल देनी, ठीक है। अब ये है 10 की इनकम, 0.5 10 की इनकम है, 2 निकल जाए तो कितनी होनी चाहिए, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। अब क्या करें, हम यूं तो नहीं कह सकते, ये तो एग्जैक्टली आपको मतलब है कि सारे बराबर बराबर महीने थे, भाई हमारे पास अब इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या कर सकते हैं, बात समझे हो, ठीक है ना। अच्छा जी, वापस आए आप सवाल की तरफ, जनरल लोन तो है कोई नहीं, ठीक है, और स्पेसिफिक लोन में जहां जहां जून जुलाई आएगा तो यहां सिर्फ आ रहा है 10 माइनस 2, तो 8/12 कर देना जी, ये 32 इंटू 13% इंटू 8/12 प्लस 10 इंटू 11% टू 5/12, बोलो 3.23 है, 2 ही कर लो यार,
ठीक है, अच्छा 2.8 आ गया, ये माइनस था, सॉरी 2.8 कितना 2.8। अच्छा नेक्स्ट, कोई जनरल लोन पे इंटरेस्ट है? एक चीज तो भूल ही गए, राइट शेयर अमाउंटेड टू 15 बार इशूड, द कंपनी यूजुअली पेज अ डिविडेंड ऑफ 10% ईच ईयर। तो एक नई चीज आ जा गई, न्यू थिंग इज डिविडेंड ऑन इक्विटी। भाई इधर देखो सारे, इक्विटी इज नॉट डेट, इट इज नॉट बोरोइंग, सो इट्स कॉस्ट इज नॉट बोरोइंग कॉस्ट, नेवर एवर कभी भी इक्विटी को आपने, इक्विटी देखे दो तरह से फाइनेंस रेस करती हैं कंपनीज, या आपने ओनर से मांग दिया बैंकों से, ये लोगों से उधार, ठीक है, जो ओनर वाला पैसा है वो इक्विटी कहलाता है, और जो ओनर से अलावा आए किसी से वो डेट कहलाता है, ठीक है। अब इक्विटी और डेट में जमीन आसमान का फर्क है। इक्विटी आप कंपनी लॉ पढ़ चुके होंगे, इक्विटी शेयर्स, जब वो पैसे ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी की जिंदगी में कंपनी वापस नहीं करती, ऐसे ही है ना, किसी को बेच दे शेयर अलग बात है, कंपनी वो पैसे सिर्फ वो वाइंडिंग अप के वक्त ही वापस, जब कंपनी बंद होगी तब वो पैसे मिलेंगे, वरना वो पैसे वापस नहीं मिलते। हालांकि डेट के केस में ऐसा, डेट आपने जिससे लिया है, लोन जिससे लिया है, उसको फिक्स टाइम के ऊपर फिक्स अमाउंट वापस करनी पड़ती है। ऐसे ही जो आपने इक्विटी इन्वेस्ट की होती है किसी कंपनी में, उस पर पक्का डिविडेंड नहीं आता, ज्यादा प्रॉफिट हो तो ज्यादा आ जाता है, थोड़े हो तो थोड़ा आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, इसलिए तो वो हलाल है, ये आराम है, ठीक है, कारोबार है ना वो, ठीक है। तो डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट, जब इक्विटी बोरिंग ही नहीं है तो डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट भी नहीं है। और निशानी क्या है डेट की, निशानी यह है कि डेट का आना और उसका वापस होना, ये फिक्स डेट पर फिक्स अमाउंट फिक्स कैश फ्लो जा रहे होते हैं, प्लस इंटरेस्ट भी जो होता है उसके ऊपर वो तय होता है, इतने परसेंट इंटरेस्ट हर साल जाएगा फलां डेट को, या महीने के बाद लेंगे, या 6 महीने के बाद लेंगे, साल के बाद लेंगे, बात समझ रहे हो। तो डेट और इक्विटी में क्या फर्क है, डेट डेट में आउटफ्लोज जो होते हैं वो प्रीडिफाइंड होते हैं, इस दिन पैसे वापस जाने हैं और उस पर इतना इतना इंटरेस्ट भी है, तय होता है, जबकि इक्विटी के अंदर ना तो पैसे जो आए हैं वापस जाने हैं, ना ही डिविडेंड कोई फिक्स होता है। तो जब इक्विटी डेट है ही नहीं, इक्विटी इज नॉट बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट, तो ये कभी भी आपकी इस वर्किंग के अंदर नहीं आ सकता। वो तो मैंने पहले दिन ही कह दिया था आपको, हमारी वर्किंग पूरी हो गई है भाई, ये लिख के काटना प्लीज आज, ठीक है ना, क्योंकि आज इक्विटी आई है, आज ही सवाल में आई है, तो टेस्ट में आनी है, ठीक है। तो इक्विटी जिस सवाल में आ जाए कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है, कि यार इसके जो डिविडेंड है वो इस कंपनी ने पैसे रेस किए, बैंक से लोन लिया, उसकी कॉस्ट है इंटरेस्ट, कंपनी ने पैसे रेस किए ओनर्स से, शेयर्स इशू करके पैसे लिए, तो उसकी कॉस्ट है डिविडेंड, ये इक्विटी की कॉस्ट डिविडेंड है, लेकिन इक्विटी बोरोइंग नहीं है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट डिविडेंड है, वो बोरिंग कॉस्ट भी नहीं है। अब वो डिविडेंड कहां आता है, रिटेन अर्निंग में आता है, इनसाइड स्टेटमेंट इक्विटी में पढ़ेंगे, ओके भाई सही है। तो सवाल हुआ हमारा मुकम्मल, बहुत सारी बातें सीखी, काम तो थोड़ा सा रही था। आज हमने ये देखा अगर इक्विटी आए तो प्रेफरेंस ऑर्डर में वो नंबर वन है, पहले उसको यूज करेंगे और फिर कोई पैसे मजीद इस्तेमाल होंगे तो स्पेसिफिक लोन की तरफ जाएंगे। अच्छा स्पेसिफिक लोन ना होता तो पहली दफे जनरल लोन पे चले जाते हैं, वो तो मैंने पहले सीखा हुआ, ठीक है, सही है। उसके बाद इक्विटी इज नॉट आ, ये बिल्कुल लिख लो ऐसे ही, काट के ना इसको ऐसे स्टार लगाओ और अपने पास सफे पे लिख लो, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, फर्क है ना, है तो एक लिहाज से बोरोइंग है भी सही, लेकिन ये वो बोरोइंग नहीं है जिसको डेट कहते हैं हम, ठीक है ना भाई। रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करते हैं, वो प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी आपने ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनाया था, इंटरेस्ट को तो बनाते थे ना भाई, यही फर्क है, ठीक है ना। अगर वो एक्सपेंस होता कॉस्ट होती तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होती, लाइक इंटरेस्ट कभी नहीं माइनस हुआ, ड्राइंग्स माइनस नहीं होती थी, वो तो कैपिटल में जाते, अब बड़े हो गए हम तो रिटेन अर्निंग में डिविडेंड दिया करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट तक आते आते इसको माइनस नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉफिट के निकलने के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है डिविडेंड। इक्विटी राइट शेयर्स के नाम से भी आ सकती है, फ्रेश आईपीओ मतलब देख लेंगे आगे, हम स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर पढ़ना है, इश्यूज ऑफ शेयर कैपिटल भी पढ़ना है, बाकी बातें अभी फिलहाल तो राइट शेयर्स के नाम से ही आएगा, आप यूं समझ लें, ले इधर, ठीक है। तो पॉइंट क्या लिख रहे हैं, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट बोरोइंग कॉस्ट, ऐसे लिखे ना, इक्विटी इज नॉट बोरोइंग, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट, दोनों में फर्क है। हालांकि डीप डाउन जाकर सोचे तो इक्विटी भी एक बोरोइंग ही है, लेकिन ये इससे फर्क है, ये डेट है, वो इक्विटी और ये डेट, वो डेट फाइनेंस है और ये इक्विटी फाइनेंस, ठीक है ना, दोनों में फर्क क्या है, वो पैसे प्री डिटर्मिंड, आगे जाके आप FR1, FR2 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर ये फर्क, जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो निशानी क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट की निशानी ये है कि कैश फ्लोज जो है वो मखसूस होते हैं, तय शुदा होते हैं,
ये पैसे इस तरह वापस जाने हैं, इस पे इंटरेस्ट तब तब जाना है। इक्विटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे जो आए हैं वो तो वापस जाने नहीं कंपनी के फौत होने से पहले, और जो डिविडेंड भी है वो भी फिक्स नहीं है। तो उसकी नेचर डेट जैसी है ही नहीं, इक्विटी की नेचर बोरिंग जैसी है ही नहीं। तो जब नेचर बोरिंग जैसी नहीं है तो फिर उसकी कॉस्ट यानी डिविडेंड भी बोरिंग कॉस्ट नहीं। क्लियर है ये बात? चलें जी अब आ जाएं अपने अल्फा ट्रेडिंग पे। और क्या हो गया यार इस बेचारे को? हाँ जी, अल्फा ट्रेडिंग किया सवाल ट्राई हो गया, क्या मसला हुआ जी? अंकल लिखा हुआ फाइनेंस में एक्सट्रैक्ट बनाओ तो एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। हाँ जी, उस तक पहुंचने के लिए आप जितनी मर्जी वर्किंग करें, जो डायरेक्ट करना डायरेक्ट करें। यार ये मिटा दो, तस्वीर खींचने वालों को खींच ली होगी उन्होंने। अच्छा जी, नया टॉपिक कौन सा पढ़ना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ना है या गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ना है? आई 40 की फरमाइश आई है भाई की, मान लें ये नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी और कुछ भी और पढ़ लेंगे, आई 40 नहीं पढ़ेंगे। बोलो क्या पढ़ोगे? आओ, आई 20 गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ोगे, आई 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? 20 या 40? 40 या 20? सारे 40 के हट गए यार, मुझे लग रहा है कि मैं 40 पढ़ा देता हूँ, सारी बात मान लेते। क्या मतलब एक्सटेंशन है? किसकी एक्सटेंशन है? उसका नाम गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस है, इसका नाम बोरिंग कॉस्ट है। कैसे एक्सटेंशन है यार, हद होगी यार, एम ही एक्सटेंशन है। और कोई जी देख लेते हैं, दिल तो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कर रहा है वैसे। कितने से कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट शुरू करना है? हाथ खड़ा करें, गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा जी चलें, हो गया सलाम दुआ, फ्रेश हो गए, सवाल पे हैं। ऑन 1 जुलाई 2014 अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट विद क्वालिटी एंटरप्राइजेस, क्वालिटी बिल्डर लिमिटेड, ठीक है जी। और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 500 मिलियन, कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2014, ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर 2014, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन कमेंस हुई है जी 1 जुलाई 2014 पर, ठीक है। 500 मिलियन का प्रोजेक्ट है एंड इज प्लान टू कंप्लीट ऑन 30 जून 2016। ओ हो, 1 जुलाई 2014 हमारे साल में शुरू हुई कंस्ट्रक्शन, 31 दिसंबर 2014 पे हमारा साल हो जाना है एंड ऐसे ही है। फिर ये तो 31 दिसंबर 2015 में भी खत्म नहीं होना और 31 दिसंबर 2016 वाले साल में जाकर प्रोजेक्ट खत्म होना, तो ठीक है कोई मसला नहीं, हमारे साल में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता रहेगा। आई कहता था पेमेंट्स मेड टू बिल्डर्स वर एज फॉलोस, और पेमेंट गिवन थी, पेमेंट गिवन थी, नेट पेड गिवन था, जो कल हमने किया था ना काम, ग्रॉस बिल में से एडवांस एडजस्ट होना, रिटेंशन मनी का एडजस्ट होना और फिर नेट का पे होना, वो नेट पेमेंट गिवन है यहां पर। तो हमें वो वर्किंग रिवर्स करके चलनी पड़नी थी। इसकी वजह यह है कि CWIP में आपको बताया था उसूली बात, हमेशा ग्रॉस बिल ने आना है, CWIP में हमेशा ग्रॉस बिल ने आना है, ठीक है जी। द प्रोग्रेस बिल्स वर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडवांस एंड रिटेंशन मनी एट 10% and 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल रिस्पेक्टिवली। रिटेंशन मनी इज टू बी रिफंडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग। पहली बात, हम खड़े होंगे 31 दिसंबर 2014 पे, एक तो जो रिटेंशन मनी हमने लिया वो 31 दिसंबर 2015 पे भी वापस नहीं होना, बल्कि 30 जून 2016 पर बिल्डिंग कंप्लीट होनी और उसके एक साल बाद 30 जून 2017 पे जाके वापस होना है, तो 31 दिसंबर 2014 में खड़े होकर तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो रिटेंशन मनी भी आपका कहां पे आना था? नॉन करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है, यही किया था, रिटेंशन मनी नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिखा था। कितने बजे अटेम्प्ट करके आया ये सवाल, ट्राई किया था, ये पास होने वाला, देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, अभी अभी सदमे से गुजरे हैं कुछ बच्चे, फिर भी अंदाजा नहीं हो रहा कि ऐसे तो भाई ऐसे तो नहीं पास होना। आज तो खुशी का दिन है, मैच है हमारा, दुआ करो। आज तो बच्चों को कुछ किया भी ना, डांट भी ना बच्चों को, ये ना कोई बच्चा मेरी डांट से गुस्से में आके पाकिस्तान को बदवा दे दे, बुखार है उनको। नहीं ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बुखार का क्या। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बस
आगे तबीयत खराब करी तुमने, ये खबर सुना। रिटेंशन मनी, अब भाई सही है, बात समझ आई है। रिटेंशन मनी जो हमने रिटेन करने हैं पैसे, जो हमने पैसे रिटेन करने हैं 31 दिसंबर 2014 पे खड़े होकर देखें तो वो कब वापस होंगे? ना 31 दिसंबर 2015 पे होने हैं, ना 31 दिसंबर 2016 पे होने हैं, कहीं 2017 वाले साल में जाकर होंगे। भारत जब मर्जी हो हमारी बला से, 31 दिसंबर 2014 पे तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक है ना। देखते हैं अभी, ऑन 1 सितंबर 2014 द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज स्टॉप फॉर 1 मंथ टू रिजॉल्व जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। लिख लिया होगा आपने पर्चे पे ही, ये नॉन रूटीन सस्पेंशन है, करना तो कुछ नहीं है, सवाल पूरा कर लेंगे, बस बटा लगाते हुए स्पेस रखेंगे थोड़ी सी और मंथ्स लिख लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ना, जाहिर है उन्होंने नंबर भी तो रखे होंगे ना इस सस्पेंशन के, तो उसके लिए थोड़ा सा काम भी तो बनता है, इतना टाइम तो बनता है, एक आध मिनट उस पर लग जाए। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज बीन फाइनेंस फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज। बैंक लोन ऑफ 100 वॉज ऑब्टेन्ड। अब ये सवाल, ये स्पेसिफिक लोन है, ठीक है, क्योंकि उसने बताया नहीं, वैसे ऑब्टेन भी किया 1 जुलाई को और बताया भी नहीं कौन सा लोन है, तो स्पेसिफिक ही हुआ ना। एक्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये जनरल लोन है। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 7% पर एनम। एटीएल कंप्यूट्स फाइनेंस कॉस्ट ऑन मंथली बेसिस। बड़ी मेहरबानी जी, शुरू करें सवाल। तो सबसे पहले तो बोर्ड को मिटाया जाए, उसके बाद रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया जाए। रिक्वायरमेंट इज, बताओ बड़ा पढ़ो, कोई रिक्वायरमेंट पढ़ दो मेरे लिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस कहता है जी, इस ऊपर वाले सवाल से रेलेवेंट फिगर्स ढूंढें जिनको आपने रेलेवेंट अप्रोप्रिएट हेड्स में डिस्क्लोज करना है बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने, और एक ही साल के कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है इसकी, 31 दिसंबर 2000। तो यहां पे तो हम बना लेंगे अपनी बैलेंस शीट, कौन आया क्यों आया। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी सवाल। अब अपनी तरतीब पे वापस आते हैं, आपको पता ही है हमारी कुछ वर्किंग इस सवाल के अंदर हमें बनती ही नजर आ रही है, जो बनती नजर आ रही है वही बनाएंगे। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। फिर इन्वेस्टमेंट रेट आ रहा है और जनरल लोन भी आ रहा है, शुक्र है वो एक है रेट, कैपिटलाइजेशन का एवरेज निकालना पड़ेगा, पहले से अवेलेबल है, लेकिन रिसीट पेमेंट कैजुअल भी बनेगा। और जो कल हमने नया काम सीखा था प्रोग्रेस बिलिंग वाला, जिस दिन कल तुमने छुट्टी की थी वो वाला, तो उसमें ग्रॉस बिल नहीं गिवन आज, कल ग्रॉस बिल गिवन था, हम नेट तक गए थे, आज नेट गिवन है, हम ग्रॉस पे आएंगे, ठीक है। तो ये हमने 2-3 वर्किंग्स करनी ही करनी है। तो पहले वर्किंग 1 का फॉर्मेट बना लेता हूं मैं, इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट, आगे नया नाम लिख दिया सर, हमें समझ नहीं आ रहा, बोरोइंग कॉस्ट टू बी, और साईं फिर समझ नहीं आई तो मैं क्या करूं फिर, मुझे पता है इसने कल छुट्टी ली थी। लोन प्रोसेसिंग मतलब आया ना इसको, सेकंड इंटरेस्ट, चले जाओ ऑनलाइन, एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, ये घरेलू मसाइल आप फिलहाल ना पूछो। अच्छा एक मिनट जरा देख लें, बैंक लोन 100 का लिया 1 जुलाई पे, लोन कैरीज मार्कअप ऑफ सेमी एनुअली एंड 30 जून, द प्रिंसिपल इज रीपेबल 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। पहली किस्ती कब पे होनी है? 1 अप्रैल 2015 पे, हमारे साल में नहीं होनी, ठीक है। तो शुक्र है एक ही लाइन आएगी, लेस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम रेट दे दिया उसने, अब पिछले सवाल वाली मौजे नहीं है, वो वेव्स जो आप ऐसे ही किल कर ले मार लें, ठीक है ना, वो मौजे नहीं मार सकते आप, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, खटके खाना पड़ना है इस सवाल से। लेस इन्वेस्टमेंट इन कॉमी, ठीक है जी। उसके बाद जनरल लोन है, ठीक है, तो नंबर 3 पे आ गया, आज भी नंबर 3 पे कौन है? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। इक्विटी होती तो वो आ जाता बस 4th-4th नंबर पे, चौथे नंबर नेवर नेवर, ओके। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, ठीक है जी। मिलियंस में सवाल है, मिलियन में ही करें फिर। अच्छा अगर मिलियन का सवाल हो और ऐसे 10, 15, 20, 50 इस तरह की फिगर्स आ रही हो, यानी कि सिर्फ डबल फिगर तक हो, तो फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यूज कर लिया करो, बस आज के बाद ऐसा कर लेते हैं, कभी कहा होगा 1 लेकिन आपसे 2, ठीक है ना। मिलियन में सवाल करना है बेशक करो, ठीक है। अगर छोटी फिगर से है तो ना, मिलियन होता 500 मिलियन 600 मिलियन फिर तो खैर, लेकिन अगर सवाल में फिगर दी जाए वो 70, 50, 100, 10, 20, 15 ऐसी आ रही हो, तो एहतियातन 2 डेसिमल तक चले जाए करो, ठीक है ना। ओके,
तो रुपीज इन मिलियन ही कर लेंगे जी, ठीक है। यहाँ क्यों लिखे वो, हम यहाँ पे लिख देंगे रुपीज इन मिलियन। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रुपीज इन, वैसे तो पता है क्या, मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन चले मैंने बोल्ड पे लिख दिया। ओके अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा कि टाइम क्यों जाया करें, बस ठीक है। उसके बाद यहां तक उम्मीद तो है हो जाएगा काम, अल्लाह करेगा। उसके बाद वर्किंग टू, ये दो हैं और इधर कितने हैं, चलो तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे यार। अब वो जरा ना मैंने बोर्ड को थोड़ा सा मैं मिटाना नहीं चाहूंगा, यू नो माई आदत, आपको एक पिक्चर भी तो एंड पे देनी होती है ना सारे लेक्चर की। अच्छा भाई, मेंशन नॉट। अच्छा, अब वो वर्किंग जो कल हमने की थी, ठीक है, डेट लिखी नहीं है तो लिख लो। वैसे तो मुझे क्या चाहिए, ग्रॉस बिल, फिर एडवांस परसेंट है, फिर रिटेंशन मनी 5% और नेट बिल। पे हो सकता है, पेबल भी हो सकता है। नजर आ रहा सबको, कि ऑनलाइन वालों को भी सही नजर आ रहा होगा। अच्छा, लिखा जरा छोटा छोटा गया ना। हाँ जी, द पेमेंट्स मेड, द पेमेंट्स मेड वर इतने इतने इतने, ये क्या है जी, नेट पेमेंट्स। और अगले अनुसार बताया, द प्रोग्रेस बिल्स वर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडवांस एंड रिटेंशन मनी ऑफ 10% and 5%। मतलब ये जो पेमेंट है ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% एडवांस है और 5%, मतलब ये 85% है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रॉस बिल पे जाने के लिए, देखो ये ऐसे मामला ऐसे कि ये जो 79.9 है आप हो गए एडवांस भाई, एडवांस नेट नोट कोई नहीं होता, किस एडवांस की एंट्री कल आपको सिखाई थी, ये क्या है, एडवांस टू कंट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट 50 से, ठीक है। यहां पे कोई नहीं वो रिटेंशन मनी वगैरह, वो तो देंगे। अब इस एडवांस को एडजस्ट करने की बारी आगे आनी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्रेस बिल कौन सा जी, फर्स्ट प्रोग्रेस बिल। शुक्र है उसने ये नहीं कहा बिल की, एक सवाल ऐसा भी कैश में आ सकता है, ठीक है, क्या यहां पे लिखा हुआ हो बिल डेट, क्या लिखा हो, बिल गेट्स नहीं, बिल डेट लिखकर नीचे लिखा हो ऑल बिल्स आर पेड आफ्टर 15 days ऑफ देयर रिसीट, तो फिर पेमेंट डेट आपको निकालनी पड़ेगी ऐसे के कॉलम ऐड करके अपने पास कहीं रफ कॉपी में कहीं बुक में पर्चे के ऊपर भी कर सकते हो। तो यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन टेस्ट्स। ओके जी, ओके, बहरहाल इस वक्त क्या हो रहा है, ये 50 करोड़ साइड पे कर दें, ठीक है, सॉरी यार इंग्लिश होगी थोड़ी सी, ये 79.9 नेट पेमेंट है फर्स्ट प्रोग्रेस बिल की। तो फर्स्ट बिल गेट 79.9, ये क्या है, ये 85%, और ये क्या हुआ करता है, ये 100% में से 10% एडवांस माइनस होता है, रिटेंशन मनी 5 माइनस होता है, तो फिर ये 85 पे पहुंचता है, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला जिंदाबाद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, तो भाई करो भाई 79 को डिवाइड करो 85 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, 9.4 एडवांस की एडजस्टमेंट हुई है, 4.7 रिटेंशन मनी की, इसका आंसर यही आना चाहिए 79.9। समझ आई, तो आज हम रिवर्स चले ऐसे, ठीक है। कल हमें ये बिल दिया हुआ था, हम यहां तक आए थे इमाम वाले सवाल में, ठीक है। सेकंड बिल प्रोग्रेस बिल 100.3 का, ठीक है, डेटे हिटे देख लेंगे उसकी, इनवाइस डेट के बारे वो देख लेते हैं, 100.3 दिल तो कर रहा है एंट्रीज भी करूं इस सवाल की, देखते हैं आज खत्म ही कर दें इसको, नया कल ही शुरू कर लें टॉपिक जी। 118 100.3 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 108 11.8 5.9, खत्म, बिल्ली दो दे बस, चैलेंज ये भी हो गया काम।
अच्छा ऐसे दिल कर रहा है मेरा, मैं ये एंट्री वैसे ही कर रहा है, दिल कर रहा है थोड़ा सा, मतलब यहाँ नजर आएगा भाई ऑनलाइन वालों को, इनकी खैर है, इनकी खैर है, मतलब कि आप लोग एडजस्ट करके देख सकते हैं। यकम नहीं, हाँ इनवॉइस उसने भेजी 20 जून को, बिल भेजा उसने, एडवांस दे रहे हमने यकम जुलाई 14, इनवॉइस के आने पे कोई एंट्री नहीं की, यकम जुलाई 14 पे पेमेंट की हमने, एंट्री पास की एडवांस टू ठेकेदार डेबिट कैश क्रेडिट 50 से, जरा कल वाली रिवीजन भी हो जाए ना, फिर और भी बहुत कुछ हुआ होगा, मैं सिर्फ फिलहाल इसकी बात कर रहा हूं जो कल वाला काम जरा रिवाइज कर लें। 10 सितंबर को इनवॉइस आई, बिल डेट पर याद रखना, कल नहीं लिखा था तो आज लिख लो, बिल जिस दिन आया उसने कह दिया भाई इतनी बिल्डिंग बन गई जे, ठीक है, तो हम बिल डेट पर CWIP डेबिट करेंगे, कितने से, हाँ 94 से, हमेशा CWIP को ग्रॉस ग्रॉस बिल के अमाउंट से हमने डेबिट करना है, और वो हमने ये निकाली 94। फिर हमसे क्या कहेंगे, 94 का बिल आएगा, हम कहेंगे 9.4 तो पहले तुम्हें दे चुके, 4.7 फिर कभी देंगे, और बाकी ये लो पकड़ो, पता नहीं पकड़ो या अभी कह रहा है थोड़े दिन बाद, बहरहाल अभी तो CWIP ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बन रही है ना CWIP, अच्छा CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट 94 से, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 9.4 से, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट 4.7 से, और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर, क्यों 10 सितंबर को जिस दिन बेचारा बिल आया उस दिन पैसे नहीं दिए, बल्कि उसको 20 दिन बाद जाके बेचारे को पैसे दिए, तो पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर 79.9। और फिर ये देखो पेमेंट डेट यकम जुलाई सॉरी पेमेंट डेट 31 अक्टूबर 14, अब आएगा 31 अक्टूबर 2014, और हम इस पेबल को पे कर देंगे, पेबल टू कॉन्ट डेबिट और कैश क्रेडिट 79.9, समझ गए ये कल वाली रिवीजन हुई कि नहीं, तो कल मैंने ना वैसे सवाल के अंदर चेंज करके ये काम आपको करवा दिया था, ठीक है, इमाम वाले सवाल में तो ये नहीं था, वो तो उसी दिन पे कर रहे थे, ठीक है, इन कल हमने चेंज कर लिया था इसको। अच्छा चले ऐसे ही भाई सेकंड बिल पे भी ये सारा कुछ होना है, देखते हैं जरूरत पड़ी तो बाकी एंट्रीज भी कर लेंगे, चले आगे, ऐसे सवाल भी तो कर लें यार, इसका मसला तो हमने हल कर दिया, ठीक है, अब रह गई अगली बात आसान वाले नंबर, उससे पहले कमेंसमेंट सेशन, अब वो बस ऐसे छोटा सा लिख लिया करें कहीं पे, यहां पे रोशनी तो नहीं पड़ रही कैमरा वाले, कमेंसमेंट लेटर ऑफ लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड, ऐसे ही लिखना पर्चे में, आप इससे भी छोटा लिख लें बेचे, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, फिर सीजेशन, आज ईयर एंड ईयर एंड ही लिखो, पता है बड़े हो गए आप, ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा, ईयर एंड डाल, ठीक है, नंबरिंग बाद में करेंगे, या इसको एक सफे पे ना कर लें, इसको सवाल को ना एक सफे पे कर लेते हैं, लो भाई थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं सवाल का, हाँ हाँ मुझे पता है नजर आ रहा है, लेकिन अभी मजीद थोड़ा सा गुंजाइश है, हम बड़ा कर सकते हैं सवाल, नजर आ रहा है, अब इस सवाल को ये है कि बदलना भी नहीं पड़ेगा, नंबरिंग शंबरिंग सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ऑन यकम जुलाई 14 अल्फा साइन एन एग्रीमेंट, कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन यकम जुलाई 14, वर्क स्टार्टेड यकम जुलाई 14, ठीक है, एंड इज प्लान टू कंप्लीट ऑन 30 जून 16, इसलिए माजरत के साथ यहां पे 31 दिसंबर 14 हमने लिख लिया, अब हम क्या करें उस 16 के एंड का, ऐसे ही करते थे ना, ओके, द पेमेंट्स मेड टू बिल्डर्स, पहली पेमेंट यकम जुलाई भाई, यकम जुलाई 14 को पहली पेमेंट हो रही है, ये कंस्ट्रक्शन की ही पेमेंट है, बिल ही नहीं कंस्ट्रक्शन की पेमेंट, एडवांस किसको दिया है भाई, ठेकेदार को ही दिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 10 मिलियन 50 मिलियन की यकम जुलाई 14, ठीक है, लोन बाद में रिसीव होगा तो ठीक है, जनरल लोन तो पड़ा है ना, वहां से कर देंगे पेमेंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये पेमेंट्स हुई, फर्स्ट बिल्स के बारे में उसने बताया जो हमने वो काम कर लिया वर्किंग टू में, अब कहते हैं यकम सितंबर कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज स्टॉप्ड, यहां पर मैंने लिख लिया नॉन रूटीन स्टॉपेज, ठीक है जी, या सस्पेंशन ये है तो इसका मतलब कंसिडर क्या करेंगे, लेकिन कंसिडर करेंगे एंड पे, और कंसिडर क्या करते हैं, सवाल करते हुए जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी, बटा लगाते हुए और मंथ्स लिख लेते हैं बस, उसके बाद फिर एंड पे कंसिडर कर लेंगे इसको, तो इसी तरह से लिख के हमने पर्चे पे रख लिया करना है जब पेपर के अंदर नॉन रूटीन है, ठीक है।
The construction cost has been financed from following sources. Bank loan of 100 million was obtained on 1 July 2014. चलो जी, लोन रिसीव भी 1 July 2014 को ही है, ठीक है। उसके बाद उसकी आगे कहानी है, और एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस और सरप्लस फंड्स है। लो जी, कहानी खत्म। कमेंसमेंट 1 July 2014 से होगी, और सिजेशन हमें करनी पड़ेगी मजबूरन 31 December 2014 पे। तो कितने मंथ्स? 6 months कैपिटलाइजेशन, ठीक है। चलो अब आसान नंबर लेने, भाई समझ आ रही है सबको? आसान नंबर लेने हैं तो पहले स्पेसिफिक लोन को भुगता देते हैं, फड़का देते हैं, ठीक है। ऑन 1 September, बैंक लोन ऑफ 100 वॉज ऑब्टेन ऑन 1 July 2014। द लोन कैरीज मार्कअप ऑफ 11% पेएबल सेमी एनुअली ऑन 31 December एंड 30 June हर साल। तो ये बात समझाई हुई है आपको। 1 July 2014 को लोन लिया, अब वो कह रहा है इंटरेस्ट हर 6 महीने बाद आपने देना है। तो जो 1 July 2014 को लोन आया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पहला 6 महीने का एंड आ रहा है 31 December पे। अब दोनों तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, या तो 6 महीनों का इंटरेस्ट 31 December 2014 की शाम को पे करें, या 1 January 2015 की सुबह। हमारे सवाल ने कह दिया 31 December 2014 की शाम को पे होगा, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट, और फिर अगले 6 महीने जो January 2015 से शुरू होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, वो 30 June 2015 तक का इंटरेस्ट 30 June 2015 की शाम को पे हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब इंटरेस्ट तो पे होना है, लेकिन प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 4 equal annual installments, सालाना इंस्टॉलमेंट्स हैं। आप जो 1 July 2014 को लोन लिया है, तो सालाना इंस्टॉलमेंट तो फिर 15 में जाकर 30 जून पे होगी ना, तो वो ये कह रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि वो भी कब से कमेंस होना है, उसकी मर्जी है भाई। पहली इंस्टॉलमेंट किसी वक्त आगे पीछे कर सकते हैं, बहरहाल प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 4 equal annual installments कमेंसिंग फ्रॉम 1 April 2015। अब फिर हर साल 1 अप्रैल को वो सालाना किस्तें होंगी, लेकिन हमारी बला से हमारा साल तो 31 December 2014 पे खत्म हो गया, हमारे साल में कोई रीपेमेंट नहीं है। तो 100 मिलियन के लोन का 11% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। कोई मसला इसमें? आसान नंबर ले लें, हाँ वो एनुअली होता है, जिंदगी सारी में याद रखो, जब तक कि वो खुद कह ना दे सवाल में इंटरेस्ट रेट एनुअली होता है। वो पर एनम कहे ना कहे, अगर खामोशी तो एनुअली है, अगर सेमी एनुअल या क्वार्टरली है तो वो खुद बताएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल है, और उसकी पेमेंट करते हुए आप एनुअली करें, सेमी एनुअली करें, क्वार्टरली करें, मंथली करें, वीकली करें, डेली करें, मॉरली करें, आप ठीक है, काफी है, मिनटली करें, सेकेंडली करें, अच्छा ओके। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, मंथली तक ही होता है मैक्सिमम। अच्छा कुछ होते हैं बैंक्स जो डेली बेसिस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा छोड़ें इस बात को, 100 मिलियन इंटू 11% ये आ गया जनाब पूरे साल का इंटरेस्ट, लेकिन 6/12 थोड़ा फासला रहा, ठीक है। अच्छा ये कौन कौन से मंथ्स हैं, साथ साथ लिखते जाना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। कहानी खत्म, मुफ्त के नंबर आ भी गए, ठीक है। अब आसान नंबर थे ना, अब अगली कहानी आनी है जनरल लोन की भी और सरप्लस फंड्स की भी, जिनको इन्वेस्ट करना है। तो दोनों के लिए रिसीट पेमेंट बना लेते हैं, फिर देखते हैं जनरल लोन का क्या करना है। बहरहाल एग्जिस्टिंग नहीं फाइनेंस फैसिलिटी यूज फॉर बैलेंस पेमेंट, एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज 109 मिलियन, मार्कअप चार्जेस फॉर द ईयर वर 24/7। एक मसला और भी है, जनरल लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन, लेकिन वो इंटरेस्ट गिवन है और वो लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट गिवन है, वो जो हम करते थे वो कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां करके बना दूं वर्किंग थ्री, वो मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, क्या लोन की अमाउंट होती थी, ठीक है जी, लोन अमाउंट, फिर मंथ्स आउटस्टैंडिंग, याद आ रहा है? सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, पर्चे में करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आप रेट लगाते हैं, मंथ्स आउटस्टैंडिंग, फिर मंथ्स को तो आउटस्टैंडिंग लिखने दो, मंथ्स आउटस्टैंडिंग, लोन आउटस्टैंडिंग, रेट और इंटरेस्ट, याद आया कुछ? अब लोन की अमाउंट कितनी है हमें नहीं पता, मंथ्स आउटस्टैंडिंग पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा, हमें क्या इससे, उसने लोन आउटस्टैंडिंग दे दिया था हमें, हमने उसकी परवाह नहीं की। इधर देखो, एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी वाज यूज्ड फॉर बैलेंस पेमेंट, एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर 14 वाज 109 मिलियन एवरेज। मैंने बताया था रनिंग फाइनेंस का बैलेंस, वैसे तो आप नहीं निकाल सकते, आपके लिए तो मुमकिन ही नहीं है, वो तो हर वक्त फ्लक्चुएट हो रहा होता है, ठीक है। तो एवरेज उसने खुद निकाल के दे दिया, कितना, 190। मार्कअप चार्जेस फॉर द ईयर 31 December 2014 अमाउंटेड टू 24.7,
और इंटरेस्ट दे दिया उसने 24.7, ठीक है जी। तो ये तो यहीं से कर लेते, ठीक है। तो इधर देखो बहरहाल जैसे तरतीब बनाई हुई है, इंटरेस्ट रेट, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन रेट जो निकालते थे हम, कैपिटलाइजेशन रेट नजर आ रहा होगा भाई, हमें बैठ दो ना यार, 24.7 डिवाइडेड बाय 190 इनटू 100 इज इक्वल टू 13%। चलो ये भी निकाल लिया। अब इधर देखो, ये देखो मैं मार्कर निकाल लूं। अब हमने क्या करना है इसका, ये पॉइंट टू अब मेरे लिए किसी काम का नहीं रहा, ऐसे ही है ना, हमने तो बस इसमें से रेट लेना होता है। सफाई हस्ती से मिटा दिया मैंने, ठीक है, सही है। अब सवाल ये एकदम से छोटा होगा सवाल, अगले पॉइंट में ऐसे सरप्लस फंड्स दिए हुए हैं। अब चलते हैं रिसीट पेमेंट बनाने की तरफ, लेकिन उसके लिए पहले हमें और लेटर है, पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी, फिर लेटर से बनाएंगे, तो नंबरिंग करते हैं जी। जनवरी में कुछ हुआ बोलो, जनवरी में कुछ हुआ, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, हमारे साल जुलाई में सबसे पहले लड़ाई शुरू हुई, ठीक है। 1 जुलाई 14 को एडवांस भी आया, आया मतलब पे हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक लोन भी 1 जुलाई 14 को आ रहा है, 1। और कुछ, और जुलाई में कुछ, 1A 1B। तो अब बहुत ही बेवकूफी ना करना, पहले इसको लिख लेना ना, मतलब मैंने 1A 1B कर दिया, इसको असल में खाम खाम में थोड़ी यार, एक दिन के आप नंबरिंग के फर्क से पहले ऊपर माइनस वाली चीज लिख दो, आप परेशान हो रहे हो, फर्क तो नहीं पड़ता ना, एक ही दिन आ रहे लोन उस दिन पेमेंट हो रही है, तो पहले लोन लिख लो, पहले लोन आया और फिर पेमेंट हुई, कोई बात नहीं है। वैसे तो माइनस भी ऊपर लिख सकते थे, लेकिन आप परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, पहले आना लिख लो पैसे का, रिसीट पहले लिख लो, ठीक है जी। उसके बाद जी जुलाई गुजर गया, बोलो, अगस्त गुजर गया, सितंबर, अक्टूबर नहीं गुजरा, अक्टूबर नहीं, यस सर, अक्टूबर नहीं गुजरा, 31 अक्टूबर को पेमेंट आई, फिर नवंबर, दिसंबर, दिसंबर नहीं गुजरा, इंटरेस्ट पे होना है 31 दिसंबर, तो यहां पे लोन पे, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट आज नहीं रीपे हो रही, यहां पे क्या आ जाएगा, नंबर 3। ए कहां पे, यार नुकड़ो यार भाई, सुनो सुनो, ये पेमेंट सिर्फ इंटरेस्ट की हो रही है स्पेसिफिक लोन का, प्रिंसिपल इस पे हो नहीं रहा, और जनरल लोन है कहां, मुझे दिखाओ जरा, कहां है, क्या कहां कहां दिया हुआ, कहां नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, कहीं मुझे तो कहीं नजर आ रहा, कहीं आपको नजर आ रहा है बच्चों, आपको नजर आ रहा है, ओ भाई, ओ भाई साहब, जनरल लोन का आना, उसका जाना, उसका इंटरेस्ट हमारी बला से जाए बाढ़ में, क्यों लिया तुमने इसको, इसको सोचा क्यों तुमने इसके बारे में, तो करो कान पकड़ो साथ वाले को, दोनों के एक, अच्छा जी, इंटरेस्ट को बाद में भेजा है मैंने, खबरदार किसी बच्चे के बारे में ऐसी बात, वो अच्छी जगह थोड़ी है, अल्लाह माफ करे जी, इंटरेस्ट तो जाए बाद में बेचक, अच्छा जी, ओके सही है, जाएगा भी। और कुछ जरा देख लो ध्यान से, कोई रह ना गया हो मुझसे, मैं भी सवाल आपके साथ याद करता हूँ, अगली क्लास में किया होता है मैंने जी। ओ ये तो लिखा ही नहीं, यकम जल्दी हमारे साल की पेमेंट ही नहीं है, मुझे यकम जल्दी 15 पे, तो बिल डेट की वजह से इधर देखो, मैं ये काम भी कर ही दूं, सेकंड बिल आया होगा किस दिन भाई, 30 दिसंबर 2000, तो हमने एंट्री पास की होगी CWIP ऑफ बिल्डिंग, डेबिट 100 पूरा 118 ग्रॉस, ग्रॉस हमेशा, फिर एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 11.8, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 5.9, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, ये जो ये बिल था ना 100.3, जिस दिन बिल आया उस दिन तो हमने पे नहीं किया इसको, पे तो हुआ है अगले साल जाके, तो भाई हमारे साल के एंड पे बस ये पेएबल ही पड़ा होगा, तो बैलेंस शीट बनाते हुए इसका ध्यान भी रखना है हमने, ठीक है, इसलिए मैंने इसके साथ नंबर नहीं लगाया। और कुछ साढ़े लैक नहीं, वर्किंग फ्री रिसीट पेमेंट कैजुअल है जी। अच्छा यार बड़ी गलती कटी तुम, निशाने आदर देगी तुम, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक, इक्विटी तो है नहीं, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन और बैलेंस,
SLGL भी लिख लेना आप पर्चे में, पूरे वर्किंग है हमारी। ये देखो मैं मार्कर निकाल रहा हूँ, समझ नहीं देखना ठीक है। अच्छा जी आ जाए मिलके, नंबरिंग से शुरू करते हैं। हाँ जी, 1A लोन आया और 1B एडवांस पे कर दिया। लोन 100 का आया 1 जुलाई 14 को, एडवांस 50 का पे हो गया। लेटर से शुरू करते हैं, लेटर डेट भी यही है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 14 लोन रिसीव 100 और 1 जुलाई 14 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं लिखना, ना लिखो एडवांस पेड लिख दो, कितना 50 इसके एक में से 50 निकला, बैलेंस में चला गया, इन्वेस्ट होगा। 1A 1B हो गए, बोलो 2 पे आओ, 279.9 पेमेंट लेनी है आप, बिल नहीं लेना, पेमेंट। इधर देखो पे क्या हो रहा है, 79.9 पे हुआ 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर 14 फर्स्ट बिल पेड, और बिल था 79.9 का, ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि स्पेसिफिक लोन का सांस निकल गया बस, पहली पे एडवांस के बाद ही जी। तो 50 तो स्पेसिफिक लोन से गया, ये जीरो बच गया, बाकी 29.9 पे होगा जनरल लोन, ठीक है जी। 2 हो गया, थर्ड पे क्या है जी, 6 महीनों का इंटरेस्ट है, 6 महीनों का इंटरेस्ट जो 31 दिसंबर की शाम को पे होना है। ये मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं ये बात सवालों के अंदर, कोई नई चीज नहीं है। तो 31 दिसंबर 14 पर इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स, अच्छा इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक लोन आपके लिए लिख रहा हूं भाई मैं, ये आपके लिए जनरल लोन का इंटरेस्ट यहां नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन फॉर 6 मंथ्स, कौन कौन से 6 मंथ्स जी, 1 जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक। वैसे तो वहां से फिगर मिल जानी थी लेकिन छोड़ो, हम दोबारा कर लेते हैं, यहां पर आदत रहे ना, क्योंकि वो वाला कैलकुलेशन अलग है, वो हम देखते हैं कमेंसमेंट सिजेशन के हिसाब से, और इसको हमने देखना होता है जब पे कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो इसलिए मैं दोबारा कैलकुलेशन कर देता हूं ताकि आप उसको उठाने की आदत ही ना हो, आपको फिगर कभी भी नहीं उठाने की आदत हमें, ठीक है ना। याद है आपको डिफरेंट हो गए थे, कैपिटलाइजेशन हुई थी 4 महीनों की और पेमेंट हो रही थी 6 महीनों की, ठीक है ना, इसलिए वो कभी भी नहीं लेना। यहां पे हम पेमेंट जी 100 मिलियन इंटू 11% इंटू जी 5.5, बस जी कहानी खत्म। 50 अवेलेबल हुआ 1 जुलाई 14 को, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, बस अक्टूबर हो गया, पूरा अक्टूबर 4 महीने। तो 50 मिलियन इंटू क्या रेट था इन्वेस्टमेंट का, 7% क्लियर, 7% इंटू कितने महीने गिरे थे अभी, 4 बराबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी जुलाई अगस्त अक्टूबर, ठीक है ना, ये 4 महीने। नहीं समझ आ रही तुम्हें, आ रही थी। उसके बाद जीरो हो गया काम, तो इसकी कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन अब ये जनरल लोन की पेमेंट्स हैं, पेमेंट डेट 31 अक्टूबर है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने आएंगे इसके। तो पेमेंट कितनी है जी, 29.9, इंटरेस्ट रेट है ये कहां पे निकला, ये वर्किंग 3 में, ये वर्किंग 3 में निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये वर्किंग 4 में निकला हुआ है, ठीक है, सही है ना। अच्छा तो नवंबर और दिसंबर 2/12 यहां मंथ्स नहीं लिखे हमने, भूल गए, नवंबर दिसंबर, यहां पे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद लास्ट पेमेंट है 31 दिसंबर पे, तुसी कह रहे थे 2 आना है, अब बड़े हो गए अब नहीं लिखेंगे। हाँ भाई इधर देखो भाई, 31 दिसंबर पे पेमेंट हो रही है, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट, ठीक है ना, इसलिए लिखना ही नहीं, आप बड़े हो गए, वो कल लिखवा रहा था जब समझा रहा था, अभी पर्चे में क्यों लिखेंगे हम जीरो, ठीक है। हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लोन क्वेश्चन 40 सवाल में नजर नहीं आए स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट, लेकिन इससे पहले आ जाओ सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन 1 सितंबर 14 को हुई और कितने महीने की रही, फॉर 1 मंथ, ये आधा महीना भी हो सकता है तो 0.5 माइनस कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 15 दिन भी हो सकते हैं, ये 7 दिन भी हो सकते हैं, भाई समझ रहे हो ना, 10 दिन हो, 10 दिन हो जाए तो 0.33 माइनस कर देना, एक महीने में 10 दिन क्या होते हैं, 0.33 होते हैं ना, 33%, तो कुछ भी हो सकता है। सस्पेंशन नॉन रूटीन दिनों में भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल तो महीने में, कौन सा महीना, ये जुलाई अगस्त सितंबर, चलो भाई 5 रह गए, जुलाई अगस्त सितंबर -1, अच्छा नहीं है, ठीक डन जी, बताओ स्पेसिफिक
4.5 8 बस दो तक रहो, अपनी औकात में रहो. 0.88 माइनस हो गया 3.7 आ गया. जनरल लोन 0.65 टोटल, ठीक है. सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, फिर टाइम भी कोई नहीं बचा, देख लेंगे. एंट्रीज करके भी आ सकते थे आप डायरेक्ट एंट्री से भी, ठीक है. अब मुझे सोच के बताओ कि बैलेंस शीट के अंदर क्या जाना है. नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग, वो तो अभी हमने निकाला ही नहीं. तो चलो अब वर्किंग का ही रिवाज चल रहा है, तो वर्किंग फाइव ओपन करो. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ, वो एसेट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है. क्या कुछ आता है इसमें? नंबर वन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या पेमेंट्स? हाँ जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. और इसमें हमेशा क्या लेना है आपने? ग्रॉस बिल्स. क्या लेने हैं जी? ग्रॉस बिल्स, ठीक है. तो इधर देखो, पहला बिल 94 का आया, दूसरा बिल 118 का आया, तीसरा भी बिल आ गया है मोहतरमीन मुकरमीन, तीसरा भी बिल आ चुका है. उसकी एंट्री CWIP में 18 हो गया, ये दो हो गए. अच्छा वो पहला, सॉरी सॉरी सॉरी, दो ही बिल आए हैं, बताओ दो बिल आए हैं बस, ठीक है. दोनों बिल आ गए जी, 200 नंबर टू जी. उसके बाद कोई मैप फी, कोई परमिट फी, कोई कंसल्टेंट की फी नहीं है, तो याद तो रखना है ना, पर्चे में ना लिखते रहना. अच्छा, और नंबर फोर इज बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड वर्किंग नंबर वन से 4.35. अच्छा एक मिनट, इसी को डेफिसिट तो कर ले भाई, इधर से लगा दे बस, इसी साइड पे हूं. डेफिसिट तो नहीं होना ना, शुक्र शुक्र है. तो यही इसकी बुक वैल्यू है फिर, 216.35 वर्किंग पार्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आपको अगर याद हो तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट हुआ था 50 से, लेकिन अभी क्रेडिट सिर्फ हुआ है 9.4 और 11.8 से, ठीक है. अब सोचने समझने की बात यह है कि हमारा ये प्रोजेक्ट इधर शुरू हो रहा है जी 1 जुलाई 2014 पर, ऐसा ही है. और वो कह रहे हैं ये खत्म होगा जाकर 30 जून. अब इधर जो एडवांस दिया था कितना दिया था? 50 का, उसमें से 2 माइनस हो गए, एडजस्टमेंट्स हुई और एक फिगर आ गई. ये फिगर अगले कितने अरसे में एडजस्ट होनी है? कुछ तो करंट में, कुछ नॉन करंट में. अब अगर तो फ्यूचर का डाटा गिवन होता, मतलब अगले एक साल में कितने बिल्स आने हैं, ताकि पता लगता कि उसमें एडजस्ट कितना होगा, उसके अगले में कितने आने हैं, तो हम इसको करंट नॉन करंट बाइफरकेट करते. लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि डाटा गिवन नहीं है, तो इसको या करंट में रख लो या नॉन करंट में रख लो, और एक नोट दे देना, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दिस एडवांस कैन नॉट बी बाइफरकेटेड इनटू करंट एंड नॉन करंट. देखो ना, हर बिल में से 10% एडजस्ट होना है ना. अब अगले बिल पर देखो, पहले 2 बिल बराबर नहीं आए, अगले बिल पता नहीं कैसे कैसे आएंगे, इसने कैसे कैसे एडजस्ट होने, कितना इस साल में होने, कितना इस साल में होने. है तो सही इसने करंट और नॉन करंट पोर्शन दोनों, लेकिन मजबूरन क्या कर लो, इसको नॉन करंट में शो कर दो, करंट में शो कर दो, किधर भी कर दो, लेकिन नोट जरूर लिख देना सवाल के अंदर कि इसको इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम नहीं बाइफरकेट कर सकते बिटवीन करंट एंड नॉन करंट, ठीक है. अच्छा, 50 का आया था एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, बोलो. अब पहली एंट्री हुई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट एडवांस 9.4 से क्रेडिट. और अगली चीज भी कर लेना, वो कल पढ़ा दी थी जिन्होंने छुट्टी की, उन्हें क्या पता, रिटेंशन मनी पेबल नॉन करंट लायबिलिटी क्यों है. इस दिन खड़े होकर जितना भी इकट्ठा हुआ हुआ है, वो इस दिन भी नहीं बल्कि इस दिन से भी साल बाद जाके वापस होना है, इस वजह से नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है. ये मैंने एंट्री की हुई है, उधर आपको दिखाएं दी एंट्रीज, जरा दिखाएं आमिर भाई, उधर कोने पे एंट्रीज, ऊपर है जो एंट्री हुई पड़ी है. पहली एंट्री देखें, 94 से CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट 9.4, रिटेंशन मनी क्रेडिट 4.7 और पेबल या कैश क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना. वापस लें,
तो सीडब्ल्यूआईपी डेबिट हो गया, मैंने डायरेक्ट फिगर निकाल ली। एडवांस क्रेडिट 9.4 से, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट 4.7 से, ठीक है। और ये जो फर्स्ट बिल वाला पेबल था वो हमारे साल में ही पे हो गया, इसलिए कोई पेबल नजर नहीं आ रहा। इधर देखो, ये पेबल आया था 10 सितंबर को, लेकिन 31 अक्टूबर को ये पे हो गया, इसलिए पेबल अब खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, ये अगला बिल आया, इस बिल की एंट्री हुई सीडब्ल्यूआईपी डेबिट 118 से, ठीक है। फिर एडवांस क्रेडिट 11.8 से, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट 5.9 से, और 100.3 का जो पेबल है वो हमारे साल में पे, लेकिन साल के फौरन बाद ही पे हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे करंट लायबिलिटी, ठीक है। जगह जरा कम पड़ गई है, करंट लायबिलिटी में पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर कितना जी, 100.3, ठीक है भाई, ओके सही है। अच्छा, अब कहानी खत्म, सीडब्ल्यूआईपी क्लियर है। एडवांस कितना बच गया, 28.8, पता नहीं कितना करंट में जाना है, कितना नॉन करंट में, होना तो अलग अलग था, लेकिन मजबूरन अब हमें एक जगह शो करना था, करंट में शो कर, करंट में तो ना ही करो, नॉन में शो कर दो, कुछ इसमें करंट पड़ा है, कुछ नॉन करंट पड़ा है, ये बता दो उसको, ठीक है। 10.6 रिटेंशन मनी पेबल और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर आ गया 100.3। कुछ और, यस पहली क्लास, टीपू वाला सवाल भूल गए हम, टीपू वाला सवाल भूल गए, 100 मिलियन का लोन लिया, ठीक है, यकम जुलाई को, सारे का सारा पेबल है, लेकिन इसमें से 100 का उसने कहा था, 100 की उसने कहा था इंस्टॉलमेंट से प्रिंसिपल की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 100 की 4 25 की बनती है, तो अगली 25 की इंस्टॉलमेंट यकम अप्रैल, इधर देखो, चलो ये मिटा दिया मेरे जी, हम इधर खड़े 31 दिसंबर 14 पर, यकम जुलाई 14 पर एक लोन लिया 100 का, कुछ भी रीपे नहीं हुआ, तो यहां पर भी 100 है, लेकिन अगले साल 31 दिसंबर 15 से पहले 25 की पेमेंट होनी है इसकी, तो 100 में से 25 करंट है, बाकी तो यहां पे आ गया जी, लॉन्ग टर्म लोन क्या परसेंटेज थी इसकी, 11% यूं कह दो, 11% लॉन्ग टर्म लोन कितना, 70 ना, ऐसे नहीं, तरतीब हुई, और करंट पोर्शन पहले निकालेंगे ना, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना है जी, 25, ये जो आगे पे हो जाना है 12 महीनों में, यहां आप खड़े हो, ये ठीक है, 25 करंट, और बाकी टोटल में से 25 निकाल दो तो 75 नॉन करंट, ठीक है जी। और अगर कुछ रह गया तो मुझे माफ कर देना, फिर जिंदगी रही तो कल उस पर बात कर लेंगे। इंटरेस्ट पेबल नहीं है जी, इंटरेस्ट साल के आखिरी दिन जो 6 महीने का बनता था वो पे हो गया, ठीक है। एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी, मैंने सर जरूरत की एंट्री वैसी रिवीजन कल की करवा दी, बैलेंस शीट रिक्वायर्ड थी वो बना लिया, ठीक है जी, ठीक है जी, आपका सवाल नहीं लूंगा मैं, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।